नमस्कार, मैं हूं सुरभि सिंह। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइफ पर। भारती सिंह 6 महीने की प्रेग्नेंट है और इस प्रेगनेंसी की खुशी को उन्होंने खुद अपने फैंस के साथ शेयर किया। जी हाँ, आपको बता दें कि भारती सिंह जहां एक पंजाबी परिवार से ताल्लुक रखती हैं, तो उनके ससुराल वाले गुजराती परिवार के हैं। जी हाँ, पंजाबी परिवार में हमने देखा है कि शराब तो काफी कॉमन होता है, लेकिन गुजराती परिवार वाले काफी सभ्य होते हैं, इन सब चीजों से दूर रहते हैं। लेकिन आज इस रिपोर्ट में हम भारती सिंह की वो इंटरव्यू आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें भारती सिंह ने बताया है कि उनके ससुर के साथ उनके संबंध कैसे हैं, उनके सास ससुर के साथ उनका कैसा रिलेशन है और ये रिश्ता कितना खास है। आज इस रिपोर्ट में हम आपको भारती सिंह के सास ससुर के साथ रिलेशन के बारे में बताएंगे कि कैसे एक पंजाबी परिवार की लड़की गुजराती परिवार में काफी अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन कर रही हैं, काफी अच्छे तरीके से अपने सास ससुर अपने ससुराल को संभाल रही हैं। अभी हाल ही में भारती सिंह ने कई सारे इंटरव्यूज दिए हैं, उन्हीं में से एक इंटरव्यू है जिसमें भारती सिंह ने बताया है कि कैसे उनके सास ससुर के साथ उनके संबंध है। इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट। कॉमेडियन भारती सिंह अपने मस्ती भरे अंदाज के लिए जानी जाती हैं। वो ना केवल अपनी प्रतिभा से शो को दिलचस्प बनाती हैं, बल्कि अपने एक्स्ट्रा टैलेंट के साथ अपने निजी जीवन की छोटी छोटी बातों को भी मजेदार बना देती हैं। वो अपने पति हर्ष लिम्बाचिया के साथ अपने पहले बच्चे का स्वागत करने के लिए तैयार है। इस बीच भारती सिंह ने एक इंटरव्यू में अपनी शादी के बाद के जीवन के बारे में बात की है। आपको बता दें कि कॉमेडियन ने हाल ही में टीवी इंडस्ट्री की लोकप्रिय जुड़वा बहनों सुरभि और स्मृति उर्फ चंकी और मिंकी को उनके यूट्यूब चैनल के लिए एक इंटरव्यू दिया। भारती के इंटरव्यू को देखकर आपकी भी हंसी छूट जाएगी। वीडियो में सुरभि और स्मृति भारती से पूछती हैं कि क्या कभी दो लोगों ने एक साथ इंटरव्यू लिया है। इस पर भारती सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि उनके सास ससुर ने लिया है। इसके बाद बहनें उनसे उनकी शादी से मिले सबसे महंगे और कम से कम महंगे उपहारों के बारे में बताने के लिए कहती हैं। जी हाँ, तो इसके जवाब में भारती ने खुलासा किया कि उनकी शादी के लिए वो गोवा गए थे और उन्हें 6 आइसक्रीम कटोरे का क्रॉकरी सेट दिया गया था। भारती कहती है कि आइसक्रीम के 6 कटोरियां कौन देता है गोवा आकर, इससे अच्छा मुझे पान खिला देते। इसके बाद सुरभि और स्मृति पूछती हैं कि भारती एक पंजाबी महिला और हर्ष एक गुजराती पुरुष, ऐसे में वो उनके परिवार के साथ कैसे बस गई। बहनों ने पूछा कि क्या कपल में कोई बड़ा अंतर नहीं था, क्योंकि एक शुष्क राज्य से संबंधित है और दूसरा लोगों के साथ शराब पीने की आदतों के लिए जाना जाता है। इस मजेदार और दिलचस्प सवाल का जवाब देते हुए भारती ने कहा कि अब सूखा राज्य भी पीने का राज्य बन गया है। उन्होंने कहा अब तो ससुर जी भी साथ में बैठकर चीयर्स करते हैं। जी हाँ, भारती और हर्ष के वैवाहिक जीवन के बारे में बात करें तो इस जोड़े ने दिसंबर 2021 में शादी के 4 साल पूरे किए हैं। उन्होंने हाल ही में घोषणा की थी कि वो अप्रैल 2022 में अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं। तो वर्क फ्रंट की अगर बात कर ले तो भारती प्रेगनेंसी के दिनों में भी काम कर रही हैं। वो इन दिनों अपने पति हर्ष लिम्बाचिया के साथ रियलिटी शो हुनरबाज देश की शान होस्ट कर रही हैं। जी हाँ, तो अपने ससुर के साथ काफ़ी अच्छा बॉन्ड शेयर करती हैं भारती सिंह। उन्होंने बताया कि किस तरीके से एक गुजराती परिवार में रच बस गई हैं भारती सिंह। वो एक पंजाबी परिवार से आती हैं जहाँ पर शराब पीना बहुत आम है, और अब अपने ससुराल वालों को भी उन्होंने शराब पीना सिखा दिया है। अपने ससुर के साथ बैठ के वो चीयर्स करती हैं। जी हाँ, इससे साफ पता चलता है कि अपने ससुर के साथ भारती सिंह कितना प्यारा और कितना अच्छा बॉन्ड शेयर करती हैं। जी हाँ, तो ऐसे कई बॉलीवुड में सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके अपने ससुर के साथ काफ़ी अच्छे बॉन्ड हैं। अब इन सेलिब्रिटीज़ में कहीं ना कहीं भारती सिंह भी शामिल हो गई हैं, क्योंकि उनका भी बॉन्ड अपने ससुर के साथ बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा है। क्योंकि जिस तरह से वो बैठ के अपने ससुर के साथ चीयर्स करती हैं, ऐसा लग रहा है कि घंटों काफ़ी गहरी टॉपिक्स पर बात भी होती होगी और काफ़ी हंसी मजाक भी होता होगा। क्योंकि जहाँ पर भारती हो और वहाँ पर हंसी मजाक ना हो,
ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो अपने सास ससुर को भी अपने ही रंग में रंग चुकी हैं भारती सिंह। ये काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि ऐसा कम देखा जाता है कि अपने रंग में रंग लेना पूरे परिवार को। तो भारती सिंह ने ये भी कर दिखाया है, भारती सिंह ने अपने सास ससुर को भी अपने रंग में रंग लिया है। और जिस तरह से वो रहती हैं, जिस तरह के परिवार से वो आई हैं, जिस तरह की चीज़ें वो करती हैं, उसमें उनके ससुराल वाले भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। भारती सिंह ने अब तक कई लोगों का दिल जीता है, जिस तरह से वो रियलिटी शो होस्ट करती हैं, सारी चीज़ें करती हैं, तो ऐसा लगता है कि वो लोगों के लिए काफ़ी चीज़ें कर रही हैं और लोगों को हंसाना बड़ी बात होती है जो भारती सिंह ऐसे ही कर देती हैं। अभी हाल ही में हुनरबाज शो होस्ट कर रही हैं, प्रेगनेंसी में पहली बार वो किसी शो को होस्ट कर रही होंगी। अप्रैल के महीने में अपने पहले बच्चे को जन्म देंगी और कोरोना के टाइम में वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई भी थी कि कैसे ये सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि बच्चा काफ़ी क्रिटिकल हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से मुंबई में केसेस आ रहे हैं, जिस तरह से चीज़ें चल रही है, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों भरा ये चीज़ हो सकता है कि कैसे कोरोना के समय में एक बच्चे को जन्म दिया जाए। लेकिन इन सब चीज़ों से परे हटकर वो अपना भी उतना ही ध्यान रख रही हैं जितना अपने बच्चे का ध्यान रख रही हैं। वहीं अपने ससुराल वालों के बारे में जो उन्होंने इंटरव्यू में बात की है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है कि अपने ससुराल वालों के साथ बैठ के चीयर्स करती हैं, ससुर के साथ बैठ के चीयर्स करती हैं। तो इससे दिखता है कि किस तरह से काफ़ी अच्छा बॉन्ड भारती सिंह अब तक अपने ससुराल वालों के साथ शेयर करती हैं। जी हाँ, अब तक हर्ष लंबाचिया के साथ शादी किए, उनको काफ़ी साल हो चुके हैं। अब अपना पहला बच्चा वो एक्सपेक्ट कर रही हैं, जो कि अप्रैल के महीने में उनका पहला बच्चा इस दुनिया में आएगा। और इस चीज़ को लेकर भारती सिंह काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं, काफ़ी ज़्यादा खुश भी हैं, और ऐसा लग रहा है कि उनका पहला बच्चा बस जल्द ही इस दुनिया में आ जाए। ससुराल वाले उनके बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो अपने ससुराल वालों के साथ, अपने ससुर के साथ काफ़ी प्यारा और काफ़ी अच्छा बॉन्ड भारती सिंह शेयर करती हुई दिखाई देती हैं। तो आपने देखी अभी रिपोर्ट, आपने जाना कि भारती सिंह अपने ससुराल वालों से संबंध कितना खास है, कितने अच्छे रिश्ते वो शेयर करती हैं। जिस तरह से अपने ससुर के साथ वो कह रही है कि वो चीयर्स करती हैं, एक सोच को उन्होंने बदला है कि पंजाबी परिवार की लड़की गुजराती परिवार में कैसे रच बस गई है। इन सब चीज़ों से भारती सिंह ने हमें रूबरू कराया, अपने इस इंटरव्यू से हमें काफ़ी सारी जानकारियाँ दी, अपने ससुराल के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताई, जिसे जानने के बाद किसी को भी हैरानी नहीं हुई होगी, क्योंकि भारती सिंह तो ऐसी हैं कि वो कहीं भी जाती हैं और वहां पर लोग हंसे ना, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो फिलहाल इस रिपोर्ट पर आप अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।